हे दोस्तों नमस्कार, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो पतले वाले रबड़ होते हैं उसको मैं ली हूँ। तो ये ऐसे रबड़ क्या होते हैं ना, अक्सर फेंके ही रहते हैं या थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो इसको हम बालों में नहीं लगाते हैं और इधर उधर कहीं ना कहीं ये गुम ही हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट हैक लेके आई हूँ। तो चलिए फिलहाल इसको रखती हूँ साइड और यहाँ पे मैं लेती हूँ थोड़े बहुत टुकड़े जो कपड़े के बचे हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास प्यारे प्यारे टुकड़े पड़े हुए हैं तो आप उससे बनाइए बहुत ही बेस्ट DIY जो बालों के लिए एंड आप क्रंची की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं बराबर और बराबर करने के बाद लगा लेते हैं सिलाई। तो यहाँ पर हम बराबर कर ले रहे हैं और सिलाई कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस पट्टी की जो चौड़ाई है ना उसको मैं 5 इंच रखी हूँ और लंबाई जो है ना इसको मैं 12 इंच रखी हूँ। तो आप चाहो तो और भी चौड़ा रख सकते हो, फिलहाल इतना ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ सिलाई। तो यहाँ पे मैं 2 बनाने वाली हूँ, तो एक ब्लैक है एंड एक रेड है। तो यहाँ पर मैं दोनों की पहले कर ले रही हूँ सिलाई और उसके बाद फिर मैं आगे का आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर फाइनली सिलाई हमारी जो है हो चुकी है दोनों की और उसके बाद हम इसको पलट करके कर लेंगे सीधा। तो मैं यहाँ पे पट्टियों को पलट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों को जो है पलट ली हूँ। पलटने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी लंबी पट्टी बनके रेडी हो गई है। तो चलिए इसी में अब हम उस जो रबर मैंने आप लोगों को दिखाया था ना उसी को करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक पट्टी हमारी ये हो गई है, दूसरी भी साइड में रखी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बना करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रबर ले ली हूँ और इसको मैं ना काट लूँगी, बीच में से कट लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काट लिया हुआ है और काटने के बाद मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे जो कपड़े आगे के निकले हुए हैं उसको मैं थोड़ा सा मोड़ दूँगी ताकि उसके जो आगे का जितना भी फुचरन है वो अंदर चला जाए, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है तो फुचरन निकलेगा ही। तो इसको हम नीचे करने के बाद ना यहाँ पर हम कर देंगे सिलाई। तो उससे पहले यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन से लगा दे रही हूँ क्योंकि रबड़ जो है वो छोटा है और जो हमारी पट्टी है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे में हो जाएगी दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे मैं ना क्या करूँगी, अंदर इस तरह से डाल दूँगी, जो सेफ्टी पिन वाला है उसको मैं अंदर करूँगी और उसके बाद एक सिरा को पकड़ने के बाद मैं लगा दूँगी सिलाई। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल दी हूँ। अच्छे से डालने के बाद एक सिरा एक साइड का पकड़ाना है, दोनों तरफ के कपड़े नहीं लेने हैं, एक तरफ से कपड़े पकड़ करके हम लगा देंगे सिलाई कुछ इस तरीके से। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं इस तरफ से। तो इधर की ये देखिए मैं सिलाई लगा दे रही हूँ और सिलाई लगाने के बाद इधर का रबड़ निकालने के बाद उधर साइड करने के बाद दोनों तरफ से हम एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इधर का हम कर लेते हैं, उसके आगे का आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह सिलाई करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको जो सेफ्टी पिन की हेल्प से दोनों सिरों के एक तरफ करेंगे और उसके बाद इसको भी हम कर लेंगे सिलाई कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों रबड़ को पकड़ेंगे आपस में और पकड़ने के बाद रबड़ को अच्छे से सिल देंगे ताकि ये छूटे ना। तो हमें यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है क्योंकि रबड़ है उसमें से अगर धागा निकल जाएगा तो हमारे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिलाई मशीन से ही इसको अच्छे से पक्का कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये कंप्लीट कर लूँगी और जो दूसरा वाला है उसको भी मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो फाइनली हमारा एक जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए जो थोड़े मोड़े धागे हैं इसको भी हम काट ले रहे हैं और इसको रखते हैं साइड में और सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा रबर ले लिया हुआ है, इसको भी उसी तरह से हम कट कर लेंगे बीच से ही और करने के बाद वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे पहले रबर को एक सिरे से फंसा लेंगे और फंसाने के बाद उसी तरह से हम बनाएंगे जैसे पहले बनाया हुआ था। तो इस तरह से पूरी सिलाई कर लेनी है, एक तरफ अच्छे से पकड़ा लेना है और उसी तरह से दूसरी तरफ हमें रबड़ निकाल करके उसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो चलिए दोनों को कम्प्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए दोनों तैयार कर लिया हुआ है और इन दोनों को मैं रखती हूँ बराबर कर लूँगी और जो रेड वाला पार्ट है उसको मैं ऊपर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है फाइनली जो है तैयार हो चुका है। तो ये देख लीजिए, तो ये हमारा रेड कलर का हो गया, दूसरा रेड एंड ब्लैक दोनों में है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो आप इस तरह हाथों में पहन करके इसको क्रंची की तरह यूज कर सकते हैं एंड और सबसे ज़्यादा परफेक्ट यूज आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में लगा करके दिखा रही हूँ, आप इस तरह से अपने बालों में लगा करके बालों को सिक्योर कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट है और लगाने के बाद अच्छा भी लगता है। तो आप इस तरह से अपने बालों में लगा करके बहुत ही प्यारा सा जूड़ा बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप जिस तरह से यूज करना चाहो अपने बालों में कर सकते हैं। तो फाइनली आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे हैक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये देखिए आज का हमारा ये प्यारा सा हैक, बाय बाय।